वहाँ आजकल पार्टी का सब कुछ देखने के लिए तेजस्वी जी हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आज दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष और शरद यादव ने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन जब शरद यादव से पूछा गया कि क्या नेता प्रतिपक्ष को वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आशीर्वाद देना चाहते, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के भविष्य हैं और उनको पूरा आशीर्वाद है, बिहार की कमान उनके हाथों में जाए, इसको लेकर वो पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात के बारे में बताया कि शरद यादव और लालू यादव जो इन दोनों नेता हैं वो बिहार के लिए ही नहीं देश भर के लिए एक बड़े ही समाजवादी नेता थे और बिहार के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। इनसे प्रेरणा लेकर वो बिहार में आगे सत्ता संभालेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और शरद यादव, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के सेशन में जाएंगे कल, और आए थे तो कई दिनों से इंतजार था क्योंकि वहाँ आजकल पार्टी का सब कुछ देखने के लिए तेजस्वी जी हैं और वो ज़्यादा बोलेंगे, मेरे को तो वो नहीं है। सर आपने एक मिनट, सर आपने साझी विरासत की बात की थी, तेजस्वी जी अब क्या आपको लगता है साझी विरासत जो है वो चलाएंगे? साझी विरासत की आपने परिकल्पना की थी, अब आपको लगता है कि जिम्मेदारी आप तेजस्वी जी को दे रहे हैं साझी विरासत की, वो चलाएंगे? हाँ, सब जिम्मेदारी उन्हीं को है। अब सब लोग जो सारी जिम्मेदारी हट गई इन्हीं के ऊपर, सब जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। तेजस्वी जी आपका, हम लोग दो दो मिनट का वन टू वन कर ले। नहीं, मेरा फ्लाइट है। तो आप आज शरद यादव से मिले हैं, क्या बातचीत हुई आप? नहीं, शरद जी हमारे अभिभावक हैं और उन लोग के मार्गदर्शन समय समय पर ये देते रहते हैं। सही गलत चीज़ों के बारे में हमेशा जब भी बैठते हैं तो बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और बिहार के ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेता रहे, समाजवादी नेता हैं, और कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज मौका मिला। एक शिष्टाचार मुलाकात हम लोगों ने की है। इनके सभी परिवार हमारे तो भाई जैसे हैं और सब लोग हम लोग मिलकर के जो देश का जो माहौल जो बिगड़ा है पूरी ताकत लगा करके जो असल मुद्दे हैं, जो देश हित में हैं, जो हमारी विचारधारा रही है सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता की, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। तो अब तो आप लोग जान ही रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय जनता दल जो है सदस्यता अभियान हर तरीके से चल रहा है और इस पे हम सब लोग, अभी तो कई देवेंद्र यादव जी भी जो हैं वो भी अपने पार्टी का भी विलय कर रहे हैं, कई ऋषि मिश्रा या और भी लोग जो हैं लगातार पार्टी की सदस्यता अभियान में शिरकत कर रहे हैं। तो हम लोगों का एक राय है कि लगातार शरद जी ने उन ताकतों से लड़ाई लड़ा और सामाजिक न्याय के विचारधारा पर चलते रहे, धर्मनिरपेक्षता जो लोग नफरत फैलाते रहे उनके खिलाफ खड़े रहे हर एक मुद्दे पर। तो आज हम आए हैं, इनकी हालचाल सेहत की जानकारी ली है और जब मिलते हैं तो पॉलिटिक्स की भी राजनीति की भी तो बात होती ही है, तो और बाकी बातें जो हैं जब समय आएगा तो आप सब लोगों को विस्तार रूप से हम लोग बता देंगे। बस इनका आशीर्वाद हम लोगों पर रहे, ये हमारी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इनके सेहत में सुधार हो। पिछले दिनों जीताना मांझी मिले जी। सारी विरासत हम लोगों की जी। अब तेजस्वी जी के सर पे है, जो हम लोगों ने किया है उसे आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा सबसे बड़ा सपना है। नहीं, मांझी जी पिछले दिनों मिले थे तो उन्होंने कहा था कि शरद यादव जी को राज्यसभा भेजने के लिए आरजेडी पहल करे, तो क्या आज मिले हैं तो इस पर सोचेंगे आप? नहीं, ये तो बात आज तो हम लोग मुलाकात किए हैं और इस पे बाद में देखा जाएगा। सर जिम्मेदारी दे रहे हैं, ये बात गलत है जी, ये बात गलत है, कोई के बयान पे बयान नहीं लेना चाहिए। सर आपको शरद जी जो है वो आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि साझी विरासत है कि एक मंच इन्होंने शुरू किया था, आप बोले कि जिम्मेदारी अब आपकी है, कैसे निभाने के लिए आप
आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जो समाजवादियों की जो राजनीति रही है, जो हमारी विचारधारा है, कोई अकेले एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये हम लोग जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति जो है कर रहे हैं, तो इसको संभालने के लिए कोई तेजस्वी काफ़ी अकेले नहीं हो सकता है, ये पूरी जमात होनी चाहिए। और हमारी कोशिश ये है कि सब लोग जो हैं एकजुट हों। मन देखिए मतभेद तो होता है लेकिन मतभेद तो नहीं होना चाहिए, सब लोग मिल कर के जो देश के हालात हैं, मौजूदा स्थिति है, जो आप लोग डिज़ाइन देख रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा संविधान की जगह पे लागू कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रहे हैं, देश के जितनी संपत्तियां थी उसको बेचा जा रहा है, आरक्षण बड़े चालाकी से ये लोग समाप्त कर रहे हैं, हर चीज़ प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इन सब को देखते हुए हम सब लोग और जाति जनगणना की जो लड़ाई है, इन सब में कोई अकेले नहीं बल्कि इनका आशीर्वाद और भी लोगों का आशीर्वाद, सब लोगों का साथ मिलेगा तभी हम कामयाब हो सकते हैं। आप कल तमिलनाडु गए थे, कहा जा रहा है कि विपक्ष